नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। टिड्डी, वजन महज 2 ग्राम, खाती भी इतना ही है, लेकिन जब यही टिड्डी लाखों करोड़ों की तादाद में झुंड बनाकर हमला कर दे तो चंद मिनटों में ही पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। फसलों को बर्बाद करने वाली टिड्डी की ये प्रजाति रेगिस्तानी होती है जो सुनसान इलाकों में पाई जाती है। टिड्डी एक बार फिर चर्चा में, क्योंकि अब टिड्डी दल ने भारत में घुसपैठ शुरू कर दी है। अब तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की फसल टिड्डी दल ने खराब कर दी है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में टिड्डी दल पहुंच गया है और दिल्ली की तरफ भी आ सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि टिड्डियों का झुंड हवा की दिशा में उड़ता है। एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है टिड्डियाँ। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर हवा दिल्ली की तरफ चली तो अगले कुछ दिनों में टिड्डियाँ दिल्ली पहुँच जाएंगी। अगर दिल्ली में टिड्डियों का हमला होता है तो ये बहुत खतरनाक भी होगा, क्योंकि यहाँ का ग्रीन कवर 22% है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक टिड्डी दिन भर में 100 से 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है और 20 से 25 मिनट में ही पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। इन्हीं सब कारणों से इसे 27 साल बाद सबसे बड़ा टिड्डी हमला माना जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाले डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज के मुताबिक 1812 से भारत टिड्डियों के हमले झेलते आ रहा है। 1926 से 31 के दौरान टिड्डियों के हमले में 10 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई थी। इसके बाद 1940 से 1946 और 1949 से 1955 के बीच भी टिड्डियों का हमला हुआ। इसमें दोनों बार 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 1959 से 1962 के बीच टिड्डी दल ने 50 लाख रुपए की फसल तबाह की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1962 के बाद टिड्डियों का कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जो लगातार 3-4 साल तक चला, लेकिन 1978 से 167 और 1993 में 172 झुंड ने हमला कर दिया। इसमें 1978 में 2 लाख रुपए और 1993 में 7.5 लाख रुपए की फसल बर्बाद हो गई। 1993 के बाद भी 1998, 2002, 2005, 2007 और 2010 में भी टिड्डियों के हमले हुए थे, लेकिन ये बहुत छोटे थे। किसान इंसानों के खाने के लिए फसल उगाते हैं और टिड्डियाँ इन फसलों को खा लेती हैं। नतीजा भुखमरी होती है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रेतीले इलाकों में पाई जाने वाली टिड्डियाँ सबसे खतरनाक होती हैं। ये 150 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकती हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में फैले झुंड में 15 करोड़ से ज़्यादा टिड्डियाँ हो सकती हैं। इन टिड्डियों का 1 किलोमीटर के दायरे में फैला झुंड एक दिन में 35,000 लोगों का खाना चट कर जाती हैं। टिड्डियों का एक झुंड 1 किलोमीटर के दायरे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर के दायरे तक फैला हुआ हो सकता है। 1875 में अमेरिका में 512,817 स्क्वायर किलोमीटर का झुंड था, मतलब इतना बड़ा कि उसमें 2 उत्तर प्रदेश समा जाए। उत्तर प्रदेश का एरिया 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर है। आमतौर पर भारत में टिड्डियों का हमला राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में होता है। ये रेगिस्तानी टिड्डे होते हैं, इसलिए इन्हें ब्रीडिंग के लिए रेतीला इलाका पसंद आता है। इन्हीं टिड्डों का ब्रीडिंग पीरियड जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक होता है। AFO के मुताबिक एक टिड्डी एक बार में 150 अंडे तक देती है। ऐसा कहा जाता है कि टिड्डियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। इनकी पहली पीढ़ी 16 गुना, दूसरी पीढ़ी 400 गुना और तीसरी पीढ़ी 16,000 गुना से बढ़ जाती हैं। आमतौर पर टिड्डियाँ ऐसी जगह पाई जाती हैं जहाँ साल भर में 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, इसलिए ये पश्चिमी अफ्रीका, ईरान और एशियाई देशों में मिलती हैं। रेगिस्तानी टिड्डियाँ आमतौर पर पश्चिमी अफ्रीका और भारत के बीच 1.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में रहती हैं। भारत में टिड्डियाँ पाकिस्तान के जरिए आती हैं, पाकिस्तान में ईरान के जरिए आती हैं। इसी साल फरवरी में टिड्डियों के हमलों को देखते हुए पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। इसके बाद 11 अप्रैल से भारत में भी टिड्डियों का आना शुरू हो गया। इस साल की शुरुआत में टिड्डियों ने अफ्रीकी देश केन्या में भयंकर तबाही मचाई थी। 70 साल में पहली बार ऐसा खतरनाक हमला हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इस साल के आखिर तक टिड्डियों के हमले की वजह से केन्या को $8.5 अरब यानी 63,750 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। केन्या के अलावा इस साल इथियोपिया और सोमालिया में भी 25 साल का सबसे खतरनाक हमला हुआ है। फसलों का टिड्डियों से बचाने का वैज्ञानिक तरीका तो कीटनाशकों का छिड़काव है, लेकिन हमारे किसान अपने तरीके भी आजमाते हैं। इस साल पहली बार छत्तीसगढ़ में भी टिड्डियों का हमला होने का अंदेशा है, लिहाजा लोगों ने पहले ही उन्हें भगाने के लिए DJ बुक करवा लिए हैं। कई जगहों पर किसान टिड्डियों को भगाने के लिए थालियाँ पीटते हैं, तेज गाने बजाते हैं, आग जलाते हैं, यहाँ तक कि खेतों के बीच बीच में ट्रैक्टर भी चलाते हैं। सीबीसी न्यूज
न्यूज़ राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।